कौन कहता है कि दिल्ली ग्रीन नहीं है, या फिर दिल्ली में आपने अभी तक हरियाली नहीं देखी। तो आज आपको दिल्ली की कुछ ऐसी लोकेशन पर हम ले जाएंगे जहां पर आपको पीसफुल लश ग्रीन पार्क, ब्यूटीफुल फाउंटेन एंड दिल्ली के ट्रैफिक के साउंड के अलावा भी चिड़ियाओं की चर्पिंग की आवाज, जहां पर फूलों की खुशबू और उनको देखकर आपके मन को शांति मिलती हो। सो हेलो एवरीवन, आज हम आपको दिल्ली NCR के वो टॉप 5 पार्क दिखाने वाले हैं जो कि लश ग्रीन होने के साथ साथ एक इंस्टावर्दी लोकेशन भी है और जहां पर आप अपना प्री वेडिंग शूट से लेकर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पर कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। थैंक यू। नंबर 5, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। ये सिर्फ एक पार्क ही नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम, एक्टिविटीज, इवेंट्स होते रहते हैं। 20 एकर्स में बना हुआ ये पार्क साकेत लोकेशन, जहाँ पर आपके लिए प्री वेडिंग शूट से लेकर नेचर वॉक, चंकी ज्वेलरी शॉपिंग एंड टी स्टॉल ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर टाइमिंग्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल टू सितंबर का है 9 AM to 7 PM, अक्टूबर टू मार्च 9 AM to 6 PM है और एंट्री टिकट से आपका 35, 15, 15, 10। फोटोग्राफी फी भी है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर ना फोटोग्राफी भी करा सकते हैं, फोटोग्राफी फी है यहाँ पे। प्रोफेशनल कैमरा इज 3000 और प्री वेडिंग शूट का भी ऑप्शन है, पोस्ट वेडिंग शूट का भी ऑप्शन है, फैमिली शूट और पोर्टफोलियो, ये सारी भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, आके हम लोग कर भी सकते हैं और फोटोशूट वगैरह करा सकते हैं हम अपना यहाँ पर। नंबर 4, वसुदेव घाट। सो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो ये दिल्ली की मोस्ट पॉपुलर पार्क में से होने वाला है, क्योंकि इस लोकेशन को इसकी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होने के साथ साथ इसकी सैटरडे और संडे वाली आरती इसको और भी आइकॉनिक बनाती है और यमुना रिवर के जुड़े होने से ये जगह और भी खूबसूरत लगती है। मीटर्स में फैले वसुदेव घाट को बनाया गया है वेस्टर्न बैंक ऑफ यमुना, बिटवीन यमुना घाट एंड निगम बोध घाट के मिड में। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप वसुदेव घाट में एंटर करेंगे, आपको वहां पर कर्व्ड पवेलियन के साथ साथ लश ग्रीन पार्क, सीजनल फ्लावर, टुलिप्स, मारीगोल्ड एंड सदाबहार, 2000 से भी ज्यादा ट्रीज और 4 लाख ग्रास सैपलिंग्स दिखाई देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपका लद्दाख बुद्ध विहार कॉलोनी सिविल लाइंस है, बट आप यहां पर एक चीज याद रखना कि आपको सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन नहीं जाना है, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से आप इजीली विजिट कर सकते हैं। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से आपको एग्जैक्ट गेट नंबर 7 से एग्जिट करना है और गेट नंबर 7 से जस्ट ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है वसुदेव घाट के लिए, तो आपको कोई ऑटो या फिर प्राइवेट टैक्सी कैब करने की भी नीड नहीं है। नंबर 3, सेंट्रल पार्क। अब आप इस पार्क को कैसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हार्ट ऑफ द कैपिटल में बसता है, जहां पर हर साल फ्लावर शो भी होता है और ऑफिस से वापस आते टाइम तो इस पार्क में एक चाय तो बनती है ना। यहाँ पर आपको फ्लावरल एनिमल्स लाइक लायन, पिकॉक और फ्लावर पिरामिड, वर्टिकल, सिलिंड्रिकल एंड अदर फ्लोरल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आप सेंट्रल पार्क में आए ना, तो मेरी आप लोगों से एक अपील है, बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में। ये आप देख सकते हैं अंकल कितना अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ना फ्लावर्स को ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें और मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन रखें। पार्क के सेंटर में एक खूबसूरत सा कलरफुल म्यूजिकल फाउंटेन है जो कि इवनिंग में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देता है, तो इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए आप जरूर विजिट कीजिए। गाइस, ये सेंट्रल पार्क का बिल्कुल सेंटर लोकेशन है। इमोशनली कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हूं इन सब चीजों से। ये देखो, एक मदर ना अपने सन को कुछ खिला रही है अपने हाथ से, मुझे ये सब चीजें ना बहुत अच्छी लगती है और मेरा थोड़ा सेंटिमेंट्स और इमोशनल अटैचमेंट्स कुछ ज़्यादा ही हैं, तो
ये देखो कितना रिलैक्स कर रहे हैं ना लोग सब, जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं या जितने भी वर्किंग लोग हैं, शाम के टाइम आके यहाँ पे इतना सुकून मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए। नेहरू पार्क, ये दिल्ली का वो हिडन जैम है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। चाणक्यपुरी की एक वो लोकेशन है जो कि अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप और अपने फाउंटेन शो के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। नेहरू पार्क दिल्ली के एक डिप्लोमेटिक एनक्लेव की वो लोकेशन है जो अप्रोक्सीमेटली 80 एकर्स में फैली हुई है। इतना ही नहीं, इस पार्क का नाम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था, जिसको बनाया था 1969 में। पार्क के चारों तरफ रनिंग ट्रैक बनाया हुआ है जहां पर मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत सारे एथलीट यहां पर रनिंग करने, जॉगिंग के लिए और एक्सरसाइज के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, इस पार्क में बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं जैसे म्यूजिक फेस्टिवल, सूफियाना म्यूजिक फेस्टिवल, कल्चरल प्रोग्राम और मच मोर। सो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है बीकाजी गामा, और अगर आप येलो लाइन से आते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा लोक कल्याण मार्ग। इसके अलावा लैंडमार्क जो है यहाँ पर है अशोका होटल। सो अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो मेट्रो की कनेक्टिविटी इज़ बेटर देन अदर कन्वीनियंस, तो आपको जो बेटर लगे आप उसे आ सकते हैं यहाँ पर। एंड नंबर वन, अगर आप मेरी तरह कोई कॉम्बो लोकेशन सर्च कर रहे हैं जहाँ पर आपको एक हेरिटेज वॉक भी लेनी है, आप हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी रखते हैं और आपको एक प्यारा सा लेक साइड व्यू भी चाहिए और जहाँ पर एक प्यारा सा कैफे भी हो और कॉफी भी पीनी हो और इंस्टावर्दी लोकेशन हो जहाँ पर बहुत सारा फोटोशूट और आपको रील्स भी बनानी हो, तो आप पहुँच जाइए हौज खास फोर्ट। ये एक कॉम्बो लोकेशन है जहाँ पर आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हौज खास विलेज कॉम्प्लेक्स के एक लोकेशन पर ही बना हुआ है जो फिरोज शाह तुगलक ने लोधी डायनेस्टी के टाइम पर बनाया था। सो ये टैंक भारत के मिडविल सिटी के सिरी में रहने वाले लोगों को पानी की सप्लाई करने के लिए बनाया गया था, जिसको इंग्लिश में रॉयल लेक भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हौज खास विलेज की जो ये लोकेशन है, ये जो फोर्ट है, आप यहाँ पे सनराइज टू सनसेट के बीच में आ सकते हैं। बहुत ही प्यारा लोकेशन होता है, मतलब एक ऑफबीट लोकेशन होता है उसको देखने के लिए। फ्रेंड्स, बेसिकली जब आप हौज खास विलेज के ई ब्लॉक में एंटर करेंगे तो वहाँ से स्ट्रेट जाके आपको ये बिल्कुल जस्ट सामने आपको एक फोर्ट दिखाई देगा जो अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें जिससे जुड़ी हुई हैं, आपको यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो अगर आप हौज खास विलेज का ये फोर्ट अगर आप आते हैं ना, तो यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के टाइम पर आप स्पेशली ध्यान रखें कि आपका जो पैर है वो स्लिप भी हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। सो फ्रेंड्स, वीडियो में जो टॉप 5 पार्क लोकेशन आपको बताए हैं, वो सारे लोकेशन फुल इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे। तो वीडियो में आपको सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और मैं आप लोगों से ऐसे ही मिलती रहूंगी, ऐसे ही छोटी बड़ी लोकेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।